हाय दोस्तों गुड इवनिंग यूट्यूब चैनल पर सी सी आई विथ जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है तो आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं तीस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे इसमें कवर तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे विवास इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर तो पहला क्वेश्चन है हमारा चारित्रिक उत्थान विवाह बाल विवाह में किस प्रकार सहायक है चारित्रिक उत्थान बाल विवाह में किस प्रकार सहायक है पहला है क्या है बच्चों में शुरू से एक साथी की रूपरेखा होती है जिससे कामोत्तेजना में गलत कदम नहीं उठते हैं दूसरा है अन्य लड़के लड़कियों का मेल मिलाप परिवार में संभव नहीं होता है तीसरा है व्यक्ति प्रारंभ में जिम्मेदारियों में पड़ जाता है और डी है उपयुक्त सभी तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर डी होगा क्या होगा उपयुक्त सभी आगे क्वेश्चन है कि शीघ्र संतान प्राप्ति एक प्रकार से बाल विवाह का एक गुण रहा है परंतु आज यह अभिशाप है क्योंकि क्यों स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव व्यक्तित्व विकास में बाधक जनसंख्या में वृद्धि उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर सभी होगा उपयुक्त तो सभी आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सन अठारह सौ साठ ईस्वी में किस महापुरुष ने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान उठाया श्री हरविलास शारदा राजा राम मोहन राय श्री ईश्वरचंद विद्यासागर इनमें से सभी इसका आंसर क्या होगा बी सही होगा राजा राम मोहन राय ने आगे क्वेश्चन है कि प्रो के एम कपाड़िया के अनुसार बाल विवाह संबंधी विचारों को जन्म देने के लिए कौन से कारक को उत्तरदायी माना गया है तो कौमार्य है संस्कार है स्त्री आधिपत्य है इनमें से सभी तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार बाल विवाह के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है तो क्या है संयुक्त परिवार में पैसा बहुत होता है संयुक्त परिवार में दहेज देना नहीं पड़ता है संयुक्त परिवार में पति पत्नी पर खर्च घर खर्च का बोझ न होने व आर्थिक जिम्मेदारी नहीं होती है उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा सी संयुक्त परिवार में पति पत्नी पर खर्च का बोझ न होने व आर्थिक जिम्मेदारी नहीं होती है क्या पूछा है संयुक्त परिवार बाल विवाह के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है आगे क्वेश्चन है कि छठवां क्वेश्चन है कि किस सन में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ तो 1860 में 1890 में 1901 में 1929 में उन्नीस सौ आंसर होगा 1929 में डी इसका आंसर सही होगा आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं सन उन्नीस में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर हरविलास शारदा उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर सी होगा हरविलास शारदा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन उन्नीस में पारित बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस नाम से जाना जाता है राधा एक्ट विद्यासागर एक्ट शारदा एक्ट राय एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर भी सही होगा शारदा एक्ट आगे क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट के अधिनियम की क्या शर्तें थीं? यदि 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम आयु का लड़का 16 से 16 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो 15 दिन का कारावास या एक हज़ार रुपये जुर्माना बी है वर्क की आयु किस वर्ष से अधिक होने पर जुर्माने के साथ तीन माह की सजा सी है जो व्यक्ति बाल विवाह में सहयोग करेंगे उन्हें तीन महीने का कारावास और जुर्माना उपयुक्त तो सभी इसका आंसर होगा उपयुक्त तो सभी डी इसका आंसर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम उन्नीस ईस्वी के अंतर्गत निम्न विशेषता है ए है लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए बी है इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे सी है लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष और लड़कियों के लिए अठारह वर्ष होगी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी आगे क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम की असफलता का कारण है क्या है विवाह के एक वर्ष बाद कार्यवाही नहीं की जा सकती है एक बार विवाह हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता है धर्म शास्त्र में बाल विवाह का समर्थन किया गया है उपयुक्त तो सभी इसका आंसर क्या है उपयुक्त सभी आगे क्वेश्चन है बढ़ावा क्वेश्चन बाल विवाह समाप्त करने के उपाय क्या हैं क्या है शिक्षा का प्रचार दहेज पर प्रतिबंध कानून कानून लागू किया जाए सी है बाल विवाह निरोधक कानून को कठोरता से लागू किया जाए उपयुक्त सभी इसका आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह का अर्थ है विवाह का क्या है अर्थ है शारीरिक दृष्टि से परिपक्वता परिपक्व होना बी है जो सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने योग्य सी है सही निर्णय लेने में सहायक हो उपयुक्त शवे तो, तो विवाह का अर्थ होता है उपयुक्त तो शवे आगे क्वेश्चन है कि बाल विवाह क्या है किशोरावस्था से पहले की विवाह किशोरावस्था के बाद का विवाह पच्चीस से तीस वर्ष की आयु किया जाने वाला विवाह इसका आंसर क्या होगा किशोरावस्था से पहले की विवाह क्या है बाल विवाह कहलाता तो है आगे क्वेश्चन है कि हर विला शारदा बाल विवाह निषेधक नि, अधिनियम कब बना क्या है उन्नीस ईस्वी में उन्नीस ईस्वी में उन्नीस ईस्वी में उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या होगा बी सही होगा उन्नीस ईस्वी में आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विवाह की न्यूनतम आयु है पंद्रह वर्ष लड़कियों के लिए पंद्रह वर्ष लड़कों के लिए अठारह वर्ष और सी है लड़कियों के लिए अठारह वर्ष लड़कों के लिए इक्कीस वर्ष और डी है दोनों के लिए अट्ठारह वर्ष क्या होगा इसका आंसर सी होगा लड़कियों के लिए अट्ठारह वर्ष लड़कों के लिए इक्कीस वर्ष आगे क्वेश्चन है बाल विवाह को माना जाता है कानूनी समस्या सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्या यौन समस्या तो बाल विवाह को माना जाता है सामाजिक समस्या बी इसका आंसर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता है प्रजनन की क्षमता शारी दृष्टि से स्वस्थ होना उपयुक्त दोनों उप कोई योग्यता आवश्यक नहीं है तो इसका आंसर सी सही होगा उपयुक्त दोनों आगे क्वेश्चन है कि विवाह के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता है तो क्या है परिपक्वता है पुष्टता है आकर्षक है प्रजनन क्षमता है तो इसका आंसर क्या होगा परिपक्वता ए इसका आंसर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह की अनिवार्य कानूनी योग्यता है कोई भी पूर्व विवाह न हो दोनों विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से कम न हो दोनों किसी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित न हो उपयुक्त तो सभी इसका तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी आगे क्वेश्चन है कि न्यायालय के समक्ष तलाक लेने के लिए कौन सी दिशाओं दशाओं का प्रयोग और दशा का होना चाहिए तो ए है इनमें से कोई यदि मानसिक रोगी हो बी है दोनों में से यदि कोई संन्यास ले ले सी है दोनों में से कोई धर्म परिवर्तन कर ले डी है उपयुक्त तो सभी तक का आंसर है उपयुक्त तो सभी डी इसका आंसर सही है आगे क्वेश्चन है किस धर्म में गिरजाघर के नियमों के अनुसार विवाह होता है हिंदू में ईसाई में मुसलमान में इनमें से सभी तो इसका आंसर होगा बी ईसाई धर्म में आगे क्वेश्चन है कि मुसलमान नो में विवाह के प्रकार है तो वैध विवाह है अनियमित विवाह है मुताह विवाह है इनमें से सभी है तो इसका आंसर क्या होगा तो इनमें से सभी होगा डी इसका आंसर सही होगा आगे क्वेश्चन है कि विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है तो पर्याप्त धन सम्पत्ति उत्तम घर एवं कार्य पति पत्नी पारस्परिक समायोजन कुछ भी नहीं तो इसका आंसर क्या होगा पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन क्या है इसका सी सही होगा आगे क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में निम्न में से किस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जाति बहिर्विवाह है गौत्र बहिर्विवाह विवाह है जाति अंत विवाह है निकटाभिगमन निषेध है इसका आंसर होगा ए जाति बहिर्विवाह है आगे क्वेश्चन है कि विवाह निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है निम्न में से कौन सा विवाह का उद्देश्य नहीं है संतान उत्पत्ति आर्थिक सहयोग अतिरिक्त यौन संबंध बच्चों का पालन पोषण इसका आंसर सी होगा अतिरिक्त यौन संबंध आगे क्वेश्चन है कि साइयों को धार्मिक रूप से कितने वर्ष के लड़कों को विवाह की आज्ञा प्राप्त है अठारह वर्ष सोलह वर्ष पंद्रह वर्ष और सत्रह वर्ष इसका आंसर क्या होगा पंद्रह वर्ष बी का आंसर सही होगा आगे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक आधार पर निकट के लोगों में विवाह संबंध डॉट डॉट की दृष्टि से ठीक नहीं है सामाजिकता प्रजनन नैतिकता इनमें से कोई नहीं इसका आंसर सी सहयोग प्रजनन आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह को माना जाता है सलाह समझौता धार्मिक संस्कार इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या होगा बीध समझौता आगे क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है यह कथन किसका है समनर और केलर का राधा कृष्ण का वेस्ट मार्क का इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर ए सहयोग समनर और केलर का है आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा इसमें सारा प्रैक्टिस सेट है तो आज का तीस क्वेश्चन था तो आज हमने तीस क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा लिया और इसके बाद हम कल इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन अगर पसंद आए आप लोगों को तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा मोस्ट यहाँ से सारे विवास कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के लिए इतना ही थैंक यू